बेटे के हाथों हारने के बाद मुलायम सिंह यादव के पास अब बहुत थोड़े विकल्प बचे हैं। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि मुलायम सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। हालांकि सियासी सुरमा मुलायम सिंह यादव के पास करने के लिए कुछ खास तो है नहीं, लेकिन उनके पास जो विकल्प है उसको भी जानना जरूरी है। मुलायम के पास विकल्प। जानकारों का कहना है कि पार्टी और सिंबल गंवाने के बाद अब मुलायम सिंह यादव के सामने कुल मिलाकर बस तीन ही विकल्प बचे हैं। मुलायम का पहला विकल्प। राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद नेताजी के पास पहला विकल्प जो है वो कोर्ट जाकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे की अपील करे। हालांकि आज यूपी चुनाव के पहले दौर की अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर इस मामले में न्यायपालिका के दखल की गुंजाइश बेहद कम होगी। ऐसे में मुलायम के इस फैसले से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। मुलायम का दूसरा विकल्प। नेताजी के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान ले और खुद समाजवादी पार्टी के संरक्षक बन जाएं। हालांकि ये ऑप्शन चुनने पर उनके राजनीतिक संन्यास की भूमिका तैयार होगी, इसलिए इसकी भी गुंजाइश कम ही लग रही है। मुलायम का तीसरा विकल्प। मुलायम का रुख देखते हुए जिस ऑप्शन की सबसे ज्यादा संभावना है वो ये है कि नेताजी अपने बेटे अखिलेश के खिलाफ ताल ठोकते हुए चुनाव में जाएं और अलग चुनाव लड़कर जनमत को अपने पक्ष में दिखाएं। अगर वो अखिलेश गुट से ज्यादा वोट और सीटें ले आए तो उन्हें ही असली समाजवादी पार्टी माना जाएगा, पर ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि मुलायम का विकल्प भी मुलायम के काम नहीं आएगा, क्योंकि नई पार्टी बनाने और उसे लोगों के बीच प्रचारित करने में वक्त लगता है। NMF News की रिपोर्ट।